अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद रमज़ान। दोस्तों, ये मैंने कोई 4-5 माह पहले ये बादाम का पौधा उगाया था सीड से, और आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी जा रही है। ये अभी 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो आप देखिए इसके पत्ते कितने लश ग्रीन है, और किसी किस्म के फंगस ने अटैक नहीं किया, ना ही किसी कीड़े ने अटैक किया है। तो आज इसको मैं देने लगा हूँ फर्टिलाइज़र, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी काफ़ी वेट है और ऊपर घास फूस भी आ गए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कोई कोई अच्छा सा इसको मैं फर्टिलाइज़र दे दूँ। तो इसके लिए मैं काउ डंग वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैं एक पौधा ज़ाया कर बैठा हूँ, उसमें मैंने गोबर की खाद डाल दी थी, जिसकी वजह से वो उसको फंगस लग गया था, वो पौधा मेरा मर गया था पिछले साल। तो इस दवा मैं क्या करूँगा कि इसको मैं दूँगा कोकोपीट और साथ में फिश फर्टिलाइज़र थोड़ा सा ऐड करके दूंगा, ताकि इस पौधे की हेल्थ अच्छी रहे। और कोकोपीट एज फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं, और जो मिट्टी की टॉप सरफेस होती है उसको भी वो ड्राई नहीं होने देती। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोकोपीट में पानी मॉइस्चर बना रहता है, और ये मिट्टी को सख्त नहीं होने देती, मिट्टी नरम रहती है, इससे भुरभुरी रहती है। तो पौधे की रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं, बहुत अच्छे से निकलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले छुरी की मदद से जो ऊपर से इसके पौधे हैं ये घास फूस ये काटता जाऊँगा, और साथ में हल्की सी गुड़ाई कर दूँगा, ताकि जो ऊपर फंगस से जम गई है सारी, तो ये रिमूव हो जाए और पानी मतलब ये ऊपर स्टोर ना हो, नीचे तक सर्वाइव करे। और आप देख रहे हैं मैं ऊपर रिमूव कर रहा हूँ, ये फंगस बाद में नुकसान देती है पौधों को, उसके मतलब ये कि इससे पौधे की रूट ख़राब हो जाती है और पत्ते भी गिरने लगते हैं, जलो हो जाते हैं। तो अभी मैंने फंगस को उतार दिया है, तो मैं क्या करूँगा कि थोड़ी मिट्टी से निकाल दूँगा, और इस लेवल करके इसमें मैं कोकोपीट डालूंगा, और साथ में थोड़ा फिश फर्टिलाइजर इसमें यूज़ करूंगा मैं। तो गुड़ाई आप पूरा साल कभी भी कर सकते हैं, इसमें दिसंबर को छोड़कर, उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, पौधे का रेस्ट पीरियड टाइम होता है। तो आप इसको अगर खाद कोई देना दें, फर्टिलाइजर दें, तो वो भी पूरा साल में किसी टाइम भी दे सकते हैं, सिर्फ गर्मी को छोड़कर, क्योंकि गर्मी में पौधे की जो वैसे रूट्स गर्म होती है, मिट्टी गर्म होती है, तो फर्टिलाइज़र उसको नुकसान देती है। तो मैं ये कोकोपीट इसमें ऐड कर रहा हूँ, और साथ में मिक्स कर दूँगा मिट्टी के साथ। ये 200 फिश फर्टिलाइज़र, ये मछली का वेस्ट का चूरा बना हुआ है, और ये इसमें इसमें बोन मील और भी कई तरह के फर्टिलाइज़र शामिल हैं, और इससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। मैं और क्योंकि ये छोटे प्लांट जो भी हैं इनको फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है, मेरे पास ऑलरेडी कई पौधे मार हो गए हैं, और मैं उनके पत्तों में फंगस ने अटैक कर दिया है, जिसमें नाशपाती के पौधे थे, सेब के पौधे थे। इसलिए जो ये छोटे प्लांट होते हैं इनको फुल सेलयार्ड में रखें, तो ऑटोमेटिकली इसमें फंगस का ख़तरा कम हो जाता है। तो मैं इसको वैसे ही मंथली बेसिस पर इसको मैं स्प्रे करता रहता हूँ केमिकल का, ताकि इसमें फंगस वगैरह अटैक ना करे, क्योंकि मैंने ये सीड्स उगाया और मेरी कोशिश है कि इसको मैं फलता फूलता देखूँ, और मैं देखूँ कि ये मेरे सीड्स से उगाया हुआ पौधा कब फल उठाता है। तो दोस्तों, अभी मैं अच्छे से इसको पानी दे दूंगा, और आप देखिए कि इसको मैंने किसी किस्म का और फर्टिलाइजर नहीं दिया, बस यही इसमें कोकोपीट और फिश फर्टिलाइजर मैंने दिया है। अभी पानी देने के बाद इसको मैं रख दूंगा फुल सनलाइट में, और इसके लिए मैंने मिट्टी का पॉट यूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो ओके दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अपना रखिए पौधे रखें, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।